नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तीन बड़ी घोषणा कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या बड़ी घोषणा कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी घोषणा कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत पहले फेज का काम को शुरू कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों दूसरे फेज का काम को कब से शुरू किया जाएगा और किन किन राज्य के अंतर्गत शुरू किया जाएगा, कौन कौन लाभार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। आपने ही ब्लॉक कार्यालय पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा 2023-24 के अंतर्गत। तो दोस्तों, आइए फटाफट जान लेते हैं कि किन किन राज्य के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा दूसरे फेज का। और दोस्तों, जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत जो भी लाभार्थी रजिस्ट्रेशन किए थे, उन सभी लाभार्थियों का नया लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, जिसमें दोस्तों किन किन राज्य के अंतर्गत जारी किया जाएगा और किन किन लाभार्थियों का दोस्तों जारी किया जाएगा, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। और दोस्तों, तीसरी जो बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों जो भी लाभार्थी का दोस्तों हाउस सेक्शन हो चुका है या दोस्तों हाउस प्रपोज साइड हो चुका है, उसका दोस्तों कब तक हाउस सेक्शन किया जाएगा, जिनका हाउस सेक्शन हो चुका है उन्हें दोस्तों कब तक पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा और किन किन राज्य के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत पहले फेज का काम को शुरू कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों किन किन राज्य के अंतर्गत पहले फेज का काम को शुरू कर दिया गया है, जो कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर 15 राज्य है। इन 15 राज्य के अंतर्गत पहले फेज का काम को शुरू कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों कौन कौन सा राज्य के अंतर्गत पहले फेज का काम को शुरू कर दिया गया है, यहां पर आप लोग पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। यहां पर आसाम के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, यहां पर मणिपुर के अंतर्गत, मेघालय के अंतर्गत, मिजोरम के अंतर्गत, नागालैंड के अंतर्गत, जो कि दोस्तों इस लिस्ट पर आने के बाद आप पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप क्लिक करके इस पेज पर आ जाएं और इस पेज पर आने के बाद यहां पर आप पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। इन सभी राज्य के अंतर्गत पहले फेज का काम को शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, जो दूसरे फेज का काम को शुरू किया जाएगा, तो दोस्तों कब से शुरू किया जाएगा और किन किन राज्य के अंतर्गत शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस लिस्ट के अंतर्गत जितने भी राज्य बचे हैं, इन सभी राज्य के अंतर्गत दूसरे फेज का काम को शुरू किया जाएगा, जिसमें दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से दोस्तों आवास का काम को शुरू किया जाएगा दूसरे फेज का, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत घोषणा कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 से आवास का काम को शुरू किया जाएगा दूसरे फेज का। ये दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत। और दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि किन किन राज्य के अंतर्गत नया लिस्ट निकल कर आ चुका है 2023-24 के अंतर्गत, जो कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं 2023-24, और यहां पर आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये नया लिस्ट निकल कर आ चुका है 2023-24 के अंतर्गत। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लाभार्थी यहाँ पर एड हो चुके हैं। तो दोस्तों, इन राज्य के अंतर्गत दोस्तों नया लिस्ट निकल कर आ चुका है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अगर पूरा डिटेल चेक करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको, यहाँ पर स्टेट के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल स्टेट करना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप ऑल स्टेट कर देते हैं, इसके बाद दोस्तों इस कैप्चर कोड को आपको सही सही यहाँ पर आपको फिलअप करना है और नीचे आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं किन किन राज्य के अंतर्गत नया लिस्ट निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आसाम के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, मणिपुर के अंतर्गत, मेघालय के अंतर्गत, मिजोरम के अंतर्गत, नागालैंड के अंतर्गत, उड़ीसा के अंतर्गत, सिक्किम के अंतर्गत, जो कि दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इस लिस्ट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कि किन किन राज्य के अंतर्गत नया लिस्ट निकल कर आ चुका है, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। इस लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप क्लिक करके इस लिस्ट पर आप पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों किन किन लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा, किन किन राज्य के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत इन सभी लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफटीओ बन चुका है, एफटीओ बनने के बाद बेनिफिशियरी भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर अमाउंट भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों इन सभी लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा इन सभी राज्य के अंतर्गत, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को एक राज्य के अंतर्गत पूरा डिटेल चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको ऑल स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपना डिस्ट्रिक्ट अपना ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम पूरा डिस्ट्रिक्ट और दोस्तों ब्लॉक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सब कुछ पूरा फिर अप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ चुका है। इस लिस्ट के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप एफटीओ नंबर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल्स निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों 50,000 अमाउंट है, ये दोस्तों पहली किस्त का है, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। इन सभी राज्य के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत ये तीन बड़ी घोषणा कर दिया गया है, जिन्हें दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।